हाय ऑल, आज हम बनाना स्टेम को लेके दो रेसिपी बनाएंगे। एक है ये बनाना स्टेम की पिकल और दूसरा है ये सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने ये बनाना स्टेम या कदली मंजा बोलते हैं हम, या हिंदी में बोले तो केले का तना होता है, इसका हम जो ऊपर का पार्ट होता है जो स्किन, उसको हम निकाल देंगे और जो अंदर रहता है उसको हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब इसको हम पानी में डाल देंगे। पानी में नहीं डालें तो ये बहुत ही जल्दी काला पड़ जाता है। पानी में डाल के छोड़ देंगे। अब एक बर्तन लेंगे और उसमें हम जो कतली मजा काट के रखे थे वो डाल देंगे और उसमें हम डालेंगे गुड़। अब थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो बनाना का स्टीम होता है उसमें से भी बहुत पानी निकलता है। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चेक करते रहेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें से पानी एकदम सूखा ना हो जाए और जब तक ये बनाना का स्टीम है पक ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए ये पानी बहुत कम हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे ये पका है या नहीं। ये पक चुका है। अब मैंने यहाँ पे इमली का पानी रखा है। इमली को कुछ देर पानी में भिगो के रख दिया था तो वो पानी हम डाल देंगे और अब भी पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें एकदम सूखा बनाना है इसको। ये पिकल ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। मैं तो जब भी बनाती हूँ 8-10 दिन में इसको ख़त्म कर देती हूँ। बहुत ही टेस्टी रहता है ये। अब मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है बनाते हैं सब्जी। एक बर्तन लेंगे और उसमें डाल देंगे पानी, बनाना स्टीम डाल देंगे, थोड़ी सी नमक डालेंगे और पकाने के लिए छोड़ देंगे। अदरक को कूट के लिया है वो डाल देंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक अदरक में से क्रिस्पीनेस नहीं आ जाता। तब तक अदरक भी यहाँ पे भून चुका है। अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, कुछ रेड चिली, कुछ करी पत्ता
मसाला।